पंजाब कैबिनेट के नए चेहरों के नाम तय हुए तो विधायकों के घर पर जश्न का माहौल शुरू हो गया। विधायक जी को बधाई देने वाले कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ने लगा। ये हैं पंजाब कैबिनेट के नए चेहरे। जैसे ही मुख्यमंत्री ने दिल्ली में ऐलान किया कि 9 नए चेहरों को जगह मिलने जा रही है, तभी इनके चेहरों पर मुस्कान आ गई। कार्यकर्ता झूम उठे, एक दूसरे को मुंह मीठा करने और करवाने का दौर शुरू हुआ। शनिवार शाम 6 बजे जो 9 नए मंत्री शपथ लेंगे, उनके नामों का ऐलान कर दिया गया है और इन्हीं में से एक है रामपुरा फूल से पार्टी के विधायक गुरप्रीत सिंह कांगड़। कांगड़ को नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है। कांगड़ नई जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मेरे नाल संगत खड़ी हो, मैं जेडे रामपुरा फूल दे लोग मैं बहुत दिलों प्यार करते हैं। बुजुर्ग हो, माता हो, भैन हो, नौजवान ते बुजुर्ग हो, कदे भी मेरा साथ नहीं छड्डिया। मैंने मेरे ते उन्होंने बहुत बड़ियां उम्मीदा है और मैं कोशिश करूंगा दिन पर रात करके जी पिछले समय में तो मैं मेरे को कोई ताकत नहीं आई सी, वो पूरा करने वास्ते मैं दिन पर रात कोशिश करूं भी 24 घंटे काम करा। जश्न की ये तस्वीरें अमृतसर सेंट्रल से विधायक ओपी सोनी की आवाज की हैं। गुरुनगरी अमृतसर में सोनी की आवाज पर भी जमकर जश्न मनाया गया। सबसे पहला काम जो है हमने अमृतसर में तो करना है, सारे पंजाब का जो भी मेरे को डिपार्टमेंट कैप्टन साहब देंगे और मैं सारे पंजाब के लिए काम करूंगा, अमृतसर के लिए तो करना ही करना है हमने। इसके अलावा लुधियाना से मंत्री बने भारत भूषण आशु के परिवार में भी खुशी का माहौल है। विधायक जी को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। साढ़े प्रधान राहुल गांधी जी, CM साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, PCC प्रेसिडेंट सुनील जाखड़ जी, जिन्होंने मेरे ते एतबार रखिया, एडी वड्डी जिम्मेवारी ते योग समझिया, मैं कोशिश करूंगा उन्होंने जेडियां आशा ते उम्मीदा उन्होंने पूरा उतर सका। इस बीच सबको उम्मीद थी कि राजकुमार वेरका को इस बार कैबिनेट में जगह मिल सकती है, लेकिन वेरका का कहना है कि उन्हें पार्टी का फैसला मंजूर है। मैं तुम्हें ये गल कही है कि मैं पार्टी का एक लाल सिपाही है और पार्टी लई लॉयल्टी सिर कटिया जाए स्टैंड कराऊंगा। कैप्टन की टीम में इजाफा हो गया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कैप्टन की ये नई टीम 2019 के दंगल में कांग्रेस की लोकसभा की सीटों में इजाफा करवा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।